भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता नेता स्वर्गीय अश्विनी जी का आप सब से, अनेक लोगों से बहुत नज़दीकी परिचय था। आडवाणी जी जो अक्सर एक बात कहते थे, अभी भी कहते हैं कि पार्टी विथ ए डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ये अश्विनी जैसे कार्यकर्ता ही हमारे राजनीतिक पार्टी को एक अलग पहचान देते हैं। साधारणतः लोकतंत्र में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें सभी नेता ये आशा आकांक्षा और महत्वाकांक्षा को सामने रखकर काम करते हैं, पर हमारी पार्टी की ये विशेषता रही है कि देश के लिए, समाज के लिए सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व का बोध रखते हुए अपने जीवन को समर्पित करने वाले ऐसे अनेक कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी मालिका भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ में रही है। और ये भी सही है कि इनमें से अनेक कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करते करते जो जीवन दृष्टिकोण ने स्वीकार किया है समाज में सर्वव्यापी परिवर्तन का, तो उनमें से कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में भी आए और उनका चाल चलन, व्यवहार, चरित्र, ये राजनीतिक कल्चर जो है एस्टैब्लिश, उससे अलग रहा। अश्विनी जी ने अपने संपूर्ण जीवन में देश और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अपने कुछ लोग अपने घर को परिवार मानते हैं, पर उन्होंने अपने देश को और अपने समाज को परिवार के रूप में स्वीकार किया था। और इस देश में देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर राजनीति में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होकर हमारा देश सुखी, समृद्ध, संपन्न बने, शक्तिशाली बने, यह मनसा उनके मन में थी और इसके लिए वो निरंतर काम करते रहे। मैं ये मानता हूँ कि हमारी पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता अगर कोई है तो वो यही है कि व्यक्तिगत स्वार्थ, अहंकार, आकांक्षा से ऊपर उठकर पार्टी के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले लाखों कार्यकर्ता, यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। और मैं ये मानता हूँ कि अश्विनी जैसे हमारे नेताओं ने निश्चित रूप से हमको वो आदर्श प्रस्तुत किया है। उनके बनारस में अच्छे डिग्री लेने के बाद संघ के प्रचारक के रूप में अपने उन्होंने कार्य की शुरुआत की और बाद में बिहार जैसे प्रदेश में वहाँ के हमारे वो पार्टी के अध्यक्ष भी बने। ये बात जरूर है कि आज हमको सफलता मिल रही है, पर जिस समय वो काम करते थे उस समय सत्ता बहुत दूर थी, समस्याएं जटिल थी, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने का कोई संभावना नहीं थी। ऐसे स्थिति में अपने विचार को और अपने संगठन को जीवित रखकर उन्होंने बहुत कठिन समय में संगठन को बढ़ाने की कोशिश की। और मैं ये मानता हूँ कि आज हमारे लिए काफ़ी अच्छे दिन हैं, पर ये अच्छे दिन आज विशेष रूप से नए पीढ़ी के मेरे जैसे व्यक्ति को जब देखने के लिए मिलते हैं तब हमने इस बात को याद रखना चाहिए कि शुरुआत के कठिन समय में अश्विनी जैसे कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को समर्पित करके देश के लिए, समाज के लिए, संगठन के लिए, विचार के लिए जो जीवन दिया, उनके कार्य, कर्तृत्व और त्याग के कारण ही हम आज शिखर पर दिख रहे हैं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे ऐसा लगता है कि पूर्ण समय काम करने वाला कार्यकर्ता जिसने अपना जीवन पार्टी के लिए, संगठन के लिए, देश के लिए और समाज के लिए दिया है, वो हमारे पार्टी का सबसे मजबूत स्ट्रक्चर है। इमारत कितनी भी बड़ी होगी तो जितनी बड़ी होती है उतना स्ट्रक्चर मजबूत चाहिए। अगर स्ट्रक्चर अगर मजबूत नहीं रहेगा तो इमारत को कोई उपयोग नहीं होता, क्योंकि हम इंटीरियर कितना भी अच्छा करें, फर्नीचर कितना भी अच्छा रखें, पर स्ट्रक्चर अगर मजबूत नहीं रहेगा तो इमारत टिक नहीं सकती। और हमारे पार्टी की विशेषता रही है कि संगठन के लिए पूर्ण समर्पित भाव से राष्ट्र सेवा और समाज सेवा के रूप में, समर्पित रूप में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का जो स्ट्रक्चर है, यही हमारी पार्टी की बहुत बड़ी विशेषता है।
अश्विनी जी आज हमारे बीच में नहीं है, एक बात सच है कि जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसका मृत्यु अटल है। ये यावत चंद्र दिवाकरो ऐसा नियम है, इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। लोकमान्य तिलक अक्सर कहते थे कि एखादे व्यक्ति कितने साल जिया है उससे वो कैसे उसने जीवन व्यतीत किया ये महत्वपूर्ण है। उनका संपूर्ण जीवन उन्होंने हमारे संगठन के लिए, हमारे विचार के लिए, देश और समाज के प्रति उनके दायित्व के भाव में उन्होंने समर्पित किया था, और इसलिए उनका परिवार यानी पार्टी थी, उनका परिवार देश था, उनका परिवार समाज था। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दृष्टिकोण है, जीवन दृष्टिकोण है, ये जो लाइफ कन्विक्शन है, इसको हम जिंदा रखें और इसी प्रेरणा से तैयार होकर अनेक कार्यकर्ता काम करें, यही अश्विनी जैसे कार्यकर्ताओं के लिए सही श्रद्धांजलि होगी। देश हमारा अनेक समस्याओं से गुजर रहा है, सुरक्षा जैसे सवाल अहम बने हुए हैं, माओइस्ट नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, इन्होंने हमारे देश के सामने अनेक प्रश्न खड़े किए हैं। किसानों आत्महत्या कर रहे हैं, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ रही है और सामाजिक आर्थिक स्थिति भी डिटोरिएट होती जा रही है, आर्थिक स्थिति भी आह्वानात्मक है। फिर भी ऐसी स्थिति में हमारे देश को, हमारे समाज को, यहाँ के गरीब व्यक्ति को, उसके लिए हम काम करें, देश के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, और उसके लिए हमारे अहंकार, आकांक्षा, आशा, महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर विचार करें। क्योंकि राजनीति में स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का विचार करना थोड़ा कठिन है। अश्विनी जी ने जो कार्य किया है वो हमारे सबके सामने है, उन्होंने हमारे पार्टी के लिए दिया हुआ योगदान हम कभी भूल नहीं सकते। करिया मुंडे जी बता रहे थे कि किस प्रकार से कठिनाई में उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए कैसे निर्णय किए, उनके पीछे कैसे खड़े रहे और कठिन समय में किस स्थिति में पार्टी को उन्होंने खड़ा किया। मुझे लगता है ये हमारा जो इतिहास है ये बहुत कठिन समस्याओं का, आह्वानों का इतिहास है, और इतिहास जो भूतकाल का होता है उसका वर्तमान काल में अगर सही चिंतन अगर करेंगे तो भविष्य में जो हमारे उद्दिष्ट है उसके ओर हम ठीक प्रकार से जा सकते हैं। और इसलिए करिया मुंडा जी जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को उनके पीछे खड़े रहकर उनका नेतृत्व खड़ा करने के लिए उन्होंने अपने जीवन में पूरी ताकत लगा दी। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे इस ज्येष्ठ व्यक्ति कार्यकर्ता को, हमारे नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ये प्रभु चरणों में प्रार्थना करता हूँ, और हम सबको उनके व्यक्तित्व से ये प्रेरणा मिले कि हम भी समाज और देश के लिए जिस प्रकार का दृष्टिकोण अश्विनी जी ने स्वीकार किया था उसी दृष्टिकोण को स्वीकार करके अपने जीवन में हम काम करने की उनसे प्रेरणा लें, यही आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ। फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से और सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके मेरा बोलना समाप्त करता हूँ।